अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊं तो तुम्हारे फोन की भी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे DLED एग्जाम 2023 लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 6 मई 2023 की। बड़ी अपडेट में सबसे पहले बात करेंगे आज की ब्रेकिंग न्यूज, PNP लेटेस्ट अपडेट को हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। बात करेंगे दोस्तों, जो हमारा बीएड और बीटीसी का मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, कहां तक पहुंचा। सीटेट में ऑनलाइन करेक्शन हमें कैसे करना है। जी हां दोस्तों, फॉर्म भरते समय हो सकता है आपसे कुछ गलतियां हो गई हो, उसको हमें ठीक कैसे करना है, पूरी अपडेट हम इस वीडियो में देखेंगे। वीडियो को आपको शुरू से लेकर अंत तक देखना है। फेल छात्रों के लिए क्या बड़ी खबर होने वाली है, परीक्षा में दोस्तों इस बार क्या हमें कुछ नया देखने को मिल सकता है, एक और दोस्तों बड़ी खबर है, जरा इसको हम देखेंगे, उसके बाद हम समझेंगे कि हमारा पेपर कब से हो सकता है। जो हमारे परसदी या प्राइमरी स्कूल है, 20 मई से गर्मी की छुट्टी यहाँ पर होने वाली है। ठीक है, आज हमारी तारीख है 6 मई, तो मतलब आने वाले 10 से 12 दिन में यहाँ पर छुट्टियां हमें देखने को मिल जाएंगी, जो वर्किंग डे होगा, क्योंकि अभी संडे भी पड़ेगा, कुछ और छुट्टियां पड़ने वाली है। ठीक है, 20 मई से यहाँ पर छुट्टियां शुरू हो जाएंगी, मौसम ठीक हो गया इस समय। और उसके बाद देखिए, बात करेंगे परिषदीय शिक्षकों की पदोन्नति में अब फंस सकता है टेट का पेज। उसके बाद अगली खबर आती है, संस्कृत स्कूलों में मानदेय पर भर्ती होंगे 2100 शिक्षक। जी हाँ दोस्तों, परमानेंट नौकरी नहीं आ रही तो मानदेय पर रख दिया जा रहा है। उसके बाद देखिए, प्रस्तावित आयोग के कारण लटकी है भर्ती। जी हाँ दोस्तों, जो हमारे ये नया आयोग है ना, उसी के चक्कर में हमारा यूपी टेट का भी पेपर लेट हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, नहीं तो ऐसा कभी देखने को नहीं मिलता था कि यूपी टेट 2022 का पेपर सोचे भी नहीं हो पाया। अब लास्ट टाइम जो 2021 का पेपर हुआ था, उसको पीएनपी ने कराया था, और कितनी बड़ी धांधली हुई थी आपको पता, पहले पेपर आउट हो जाता है, दोबारा दोस्तों जब पेपर होता तो क्वेश्चन सारे रिपीट हो जाते हैं प्रीवियस ईयर से, तो ये था। इसलिए दोस्तों अब एक नए आयोग की ही बात कर दी गई कि एक नया आयोग आएगा हमारे सामने, तो एक चीज याद रखना है। तो इस बार दोस्तों हमारा जो क्वेश्चन पेपर भी बनाया जाएगा वो थोड़ा सा अलग देखने को मिल सकता है। हर बार पीएनपी पेपर सेट करती थी तो उनका जो क्वेश्चन पेपर का तरीका रहता था, क्वेश्चन रहते थे वो लगभग सेम रहते थे, लेकिन इस बार हमें कुछ नया देखने को मिलेगा। एक और दोस्तों बड़ी खबर निकल कर आती कि डीएलएड की जहां अतिरिक्त कक्षाएं वहां चलाया दूसरा बैच, विजय किरण। ठीक है, श्रावस्ती डाइट के निरीक्षण में महानिदेशक स्कूल शिक्षा को मिली थी खामियां। तो ये दोस्तों बड़ी खबर है डीएलएड को लेकर, पूरी अपडेट भी हम आपके सामने रखेंगे। मोबाइल फोन पर अधिक बात करने से बढ़ जाता है हाई बीपी का जोखिम। ठीक है, आप में से भी काफी बच्चे होंगे जो दिन भर मोबाइल फोन में लगे रहते होंगे, बातें करते होंगे, तो पूरी अपडेट अभी हम आपके सामने रखे हैं। ठीक है, देखिए हेल्थ के साथ लापरवाही नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो पूरी अपडेट हम इस वीडियो में देखेंगे, अपडेट ढेर सारी है। उसके बाद दोस्तों परीक्षा डेट शीट को लेकर भी देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, ये रही हमारी प्रथम सेमेस्टर परीक्षा डेट शीट, तृतीय सेमेस्टर परीक्षा डेट शीट में क्या बदलाव देखने को मिल सकता है। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे नीट में क्या हुआ था। पिछले साल नीट में उतरवाई गई थी कई लड़कियों की ब्रा, इस बार एनटीए ने बनाया यह सख्त नियम। जी हाँ दोस्त, इस बार नियम में कुछ बदलाव किया जा रहा है। देखिए ऐसा क्यों हो गया, तो ऐसा होने से देखिए बच्चे परेशान हो जाते हैं। ठीक है, पेपर में होता है ना, दिक्कतें आती हैं। पूरी अपडेट अभी हम आपके सामने रखेंगे, जो कि लड़कियों के लिए बड़ी होने वाली, क्योंकि अभी सीटेट का एग्जाम, यूपी टेट का, और देखिए दिक्कत कहाँ पर होती है आपको बता दें, दिक्कत दोस्तों हो सकती है सुपर टेट के एग्जाम में। ठीक है, जब यहाँ पर पेपर होता है ना, तो फिर सिक्योरिटी लेवल थोड़ा सा, आजकल आपको पता है कि कितनी तरीके से धांधली हो जाती है, ये ऐसा क्यों हुआ होगा आप सोचिए जरा। तो अभी हम अपडेट आपके सामने रखेंगे। लेकिन सीटेट के लिए दोस्तों क्या हो रहा है कि अभी कुछ जगह सेंटर में सीट खाली है। अगर दोस्तों आज की बात करें 6 मई को सुबह तक आज लगभग 1448 सीटें खाली थी, लेकिन ये दोस्तों खाली कौन से पेपर के लिए है। देखिए हमारा सीटेट में पेपर दो तरह का है, एक पेपर वन पेपर, एक पेपर टू। थोड़ा सा जानिए पहले बेसिक ये होता क्या है। पेपर वन दोस्तों अगर आप पास करेंगे तो आप क्लास 1-5 मतलब प्राइमरी स्कूल में जो भी वैकेंसी आती है उसमें अप्लाई कर पाएंगे। पेपर टू पास करने से फायदा आपको मिलेगा 6-8 क्लास के लिए, जो जूनियर की वैकेंसी आती है। ठीक है, तो अब क्या है ना कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सिर्फ पेपर वन के लिए आवेदन कर देते हैं, उनके चक्कर में दोस्तों पेपर टू की सीटें खाली है। अगर हम वाराणसी की बात करें तो इस जिले में भी अभी 1448 सीटें खाली थी। अगर कोई बच्चा सिर्फ पेपर टू के लिए आवेदन करेगा तो उन बच्चों को अपने जिलों में अभी भी मौका बन जाएगा, लेकिन उसके लिए भी दोस्तों आपको फीस 1000 रुपये देना पड़ेगा। अगर ये नियम होता कि भैया 600 रुपये आप पेपर वन का लीजिए, 600 रुपये पेपर टू का, तब तो ठीक रहता, बच्चे आवेदन करते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ पेपर टू के लिए देंगे तो 1000, अगर पेपर वन भी साथ में देते, प्लस में ऐड करा देते, कॉम्बो ऑफर सुने होंगे ना आजकल, जाते होंगे आप लोग कहीं पर, तो भैया दोनों पेपर हमारा 1200 रुपये में हो जाता, मतलब 200 रुपये एक्स्ट्रा लगा के आप दोनों पेपर दे सकते हैं। एक पेपर के लिए आपको 1000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। तो ये सब दोस्तों बातें हो गई। ठीक है, तो कुछ बातें आप लोग देखिए इसी तरह सीखते हैं कि भैया कैसे बिजनेस होता है, कैसे कमाई होती है।
बताइए इनको पेपर कराने के बिजनेस करने बैठ जाती है सीबीएसई कभी कभी। अब अगर हम लखनऊ की बात करें तो यहाँ पर 7,000 से ज्यादा सीटें खाली हैं, लेकिन कुछ बच्चे भी होशियार होते हैं, उनको पता होता है कि हमें भैया सिर्फ पेपर वन से मतलब है, पेपर वर देकर वन देकर निकल जाएंगे। तो वो बच्चे लखनऊ में देखे 7,000 से ज्यादा सीटें खाली करवा देते हैं। तो अब आपके मन में सवाल होता है कि सीटें बढ़ेंगी या नहीं, पहले से 200 ऑलरेडी इतनी ज्यादा सीटें यहाँ पर खाली चल रही हैं, ठीक है ना। अब कोई भी सेंटर को 200 जो सीटें अलॉट होती होंगी वो दोनों के लिए होती होंगी, ऐसा तो नहीं सिर्फ पेपर वन के लिए, क्योंकि पेपर वन की जो टाइमिंग होती है वो अलग टाइमिंग होती है, पेपर टू की टाइमिंग अलग होती है, दोनों का समय अलग अलग है। अगर पेपर वन पेपर टू का समय एक होता तो फिर कोई दिक्कत ना होती, फिर उसको एडजस्ट किया जा सकता था, लेकिन अब क्या है कि पेपर वन की समय अलग होती है, पेपर टू की अलग, वन टू में, तो इसी वजह से अब सीटें बढ़ती है कि नहीं वो तो आने वाले समय में हम लोग देखेंगे। लेकिन दोस्तों एक बात आपको बता दें, अगर आप इंतजार कर रहे हैं कि सीटें बढ़ जाएं तो आप लोग को जो फॉर्म यहाँ तक अपलोड फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर तक कंप्लीट करके एकदम रख तैयार रहिएगा। सिर्फ दोस्तों आपको एग्जामिनेशन सिटी डिटेल वाला ये बचना चाहिए, जैसे ही अगर आपको नोटिस मिले, पता चल जाए कि भैया सीट बढ़ गई, तुरंत के तुरंत, बिल्कुल इंतजार नहीं करना, फिर तुरंत दोस्तों आप लोग लग जाएंगे ताकि सिटी मतलब तुरंत सिलेक्ट कर दे, जैसे वाराणसी लखनऊ जो भी सिलेक्ट सिटी चाहिए उसको तुरंत ही सिलेक्ट करते ही तुरंत आप पेमेंट करके फाइनल सबमिट करेंगे, ताकि दोस्तों वो सिटी आपको लॉक हो सके, ठीक है। तो हुआ क्या था दोस्तों, पिछली बार जो ये मैटर हुआ था ना, देखिए पिछले साल नीट परीक्षा में तलाशी के दौरान लड़कियों की ब्रा उतरवाने जैसी शर्मनाक घटना इस साल फिर से ना हो, इसके लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने गाइडलाइंस जारी किए हैं। एनटीए ने कहा कि लड़कियों की तलाशी के दौरान संवेदनशीलता बरती जाए, इस संबंध में एग्जाम सेंटर के स्टाफ को गाइडलाइंस जारी की जाएगी। लड़कियों की तलाशी सिर्फ महिला स्टाफ के द्वारा ही ली जाएगी। गौरतलब है कि पिछले साल केरल के एक नीट परीक्षा केंद्र पर बहुत सी लड़कियों ने शिकायत की थी कि उन्हें एग्जाम देने से पहले ब्रा उतारने के लिए मजबूर किया गया। ब्रा में लगे मेटल के हुक के चलते मेटल डिटेक्शन मशीन में बीप बीप हुआ था। क्या दोस्तों रीजन था, ब्रा में जो मेटल का हुक लगा रहता है उसके वजह से दोस्तों मशीन बीप हो जाता है, जिसके बाद सुरक्षा कर्मियों ने कई लड़कियों को ब्रा उतारने के लिए मजबूर किया। छात्राओं के पेरेंट्स का कहना था कि उनकी बेटियों को बिना इनर वियर के परीक्षा देने के लिए मजबूर होना पड़ा था। ये दोस्तों खबरें थी, तो आप लोग भी जरा ध्यान देंगे लड़कियां लोग, ठीक है, क्योंकि कभी कभी दोस्तों कुछ दिक्कतें हो जाती हैं जिस वजह से आप लोग को भी फिर टेंशन हो जाती है पेपर हम कैसे दें, ध्यान देना। अब देखिए जो हमारे परसदी स्कूल है, विद्यालयों में 20 मई से लेकर 15 जून तक ग्रीष्मकालीन अवकाश रहेगा, जबकि माध्यमिक विद्यालयों में 21 मई से लेकर 30 जून तक गर्मी की छुट्टी रहेगी। ये तो दोस्तों बढ़िया है, माध्यमिक में ज्यादा छुट्टी दिख रही है यार, ठीक है। इसके बाद प्राइमरी स्कूल 16 जून को खुलेंगे और इंटर कॉलेज 1 जुलाई से। गजब में, मतलब प्राइमरी स्कूल को पहले खोला जा रहा है जो कि बाद में खुलना चाहिए, और इंटर कॉलेज बाद में खुलेगा, प्राइमरी स्कूल पहले। पूर्व में ऐसा नहीं था, पहले 21 मई से स्कूलों की छुट्टियां होती थी और फिर 1 जुलाई से स्कूलों का संचालन शुरू होता था। चूंकि सर्दियों में छुट्टियां 25 दिन की कर दी गई थी, इसलिए प्रसिद्ध स्कूलों में गर्मियों की छुट्टियां एक पखवाड़े कम कर दी गई हैं। बीएसए भूपेंद्र सिंह ने बताया कि बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्कूल गर्मियों में 26 दिन बंद रहेंगे। कैलेंडर के अनुसार माध्यमिक स्कूलों में गर्मी की छुट्टियां 21 मई से लेकर 30 जून तक होंगी। छुट्टियों के साथ ही स्कूल खुलने का समय भी तय कर लिया गया है। शासन के निर्देश के मुताबिक 1 अप्रैल 2023 से लेकर 30 सितंबर 2023 तक स्कूल खुलने का समय सुबह 8 बजे होगा, कक्षाएं दोपहर 2 बजे से तक चलेंगी, ठीक है। दोस्तों ये तो बड़ी खबरें थी, तो ये सब जरा समझिए। तो एक बात हमें यहाँ पर समझना है, 21 मई से लेके कब तक छुट्टियां यहाँ पर दोस्तों दी गई है, यहाँ पर लिखा है ये तो 16 जून को ये खुलेगा, 30 जून तक। अब दोस्तों माध्यमिक स्कूलों में छुट्टियां हो रही हैं, तो जो हमारा पेपर होता है ना डीएलएड का, जो हमारा सेंटर जाता है, आप लोग को पता है इंटर कॉलेज में ये सेंटर आप लोग का जाता है। जो बच्चे डीएलएड 2022 बैच के उनको भी नहीं पता होगा, देखिए आप लोग का जो सेंटर है वो सरकारी स्कूलों में जाता है। नकल की उम्मीद बिल्कुल नहीं करना, 1% नकल नहीं होती। आप लोग जो बच्चे सरकारी स्कूलों में गए होंगे पेपर देने वो अच्छे से जानते हैं, ठीक है। बाकी जो बच्चे हमारे डीएलएड 2021 बैच के छात्र हैं, या दोस्तों जो बच्चे हमारे बैक पेपर के छात्र हैं जिनकी बैक लग गई थी वो बैक पेपर क्लियर कर रहे हैं, तो वो बच्चे अच्छे से जानते हैं कि कैसे क्या क्या प्रोसेस होता है, ठीक है। तो नकल की उम्मीद नहीं करना है। तो ये दोस्तों टेट वाली बात होती है, पहले अलग अलग समय में शिक्षक भर्ती का आधार अलग अलग रहता था, तो ये मैटर है। अब देखिए लखनऊ से अपडेट, प्रदेश के हर मंडलों में खुलने जा रहे आवासीय संस्कृत विद्यालयों में नियमित शिक्षकों की बहाली होने तक मानदेय पर 2100 दोस्तों अध्यापक रखे जाएंगे। पढ़ाई में किसी, ठीक है, प्रकार का व्यवधान ना हो इसके लिए सेवानिवृत्त शिक्षकों की भी सेवा लेने पर विचार किया जा रहा है। साथ ही दोस्तों अभी
संविदा पर तैनात 1770 शिक्षकों का पुनः चयन किया जाएगा। तो ये सब दोस्तों मैटर है। अब देखिए ये अपडेट आती बहुत इंपॉर्टेंट खबर है, सभी स्तर की शिक्षक भर्तियों के लिए राज्य सरकार एक आयोग बनाने की तैयारी में, इसका मसौदा कैबिनेट से पास हो गया है। यही वजह है कि सरकार उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग में सदस्यों के रिक्त पदों पर नियुक्ति नहीं कर रही है। पद रिक्त होने के कारण सहायक प्रोफेसर के 907 पदों पर भर्ती अटकी है। इसे दोस्तों लेकर अभ्यर्थी हाईकोर्ट की शरण में भी है। तो दोस्तों ये सब मामले आप देख सकते हैं, लगातार आपके सामने है। देखते हैं क्या होता है आने वाले समय में, तैयार रहिएगा। महानिदेशक को निरीक्षण में मिली खामियां, सभी डाइट प्राचार्यों को दी गई है चेतावनी, डाइट पर करें सुधार नहीं तो कार्रवाई के लिए रहें तैयार। चलिए दोस्तों जो भी और अपडेट आएगी अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में लिंक दिया गया सीटेट के लिए दोस्तों, आगे का प्रोसेस आपके जिले में कितनी सीटें खाली है वीडियो को लास्ट तक देखिए, ठीक है। बाकी दोस्तों परीक्षा हमारी मई लास्ट तक या जून में होने की तैयारी, कमेंट बॉक्स में लिंक दिया गया जहां से डीएलएड का रिजल्ट, सीटेट मैथ की वीडियो का लिंक, डीएलएड की और दोस्तों अपडेट्स वहां पर आपको देखने को मिलेगी। चलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि सीटेट जुलाई 2023 के लिए 6 मई 2023 तक कितनी सीटें बची हैं, कौन से जिले में, उसको देखेंगे। सबसे पहले इलाहाबाद या प्रयागराज की बात करें तो 560 सीटें बच रही हैं। अगर दोस्तों वाराणसी की बात करें तो यहाँ पर 1448 सीटें, और लखनऊ की बात करें तो यहाँ पर 7441 सीटें, ठीक है। लेकिन दोस्तों इसकी एक कंडीशन है, जो ये सीटें आपको दिख रही हैं ये सीटें बची तो जरूर हैं, लेकिन ये दोस्तों सिर्फ आप पेपर टू के लिए अगर अप्लाई करेंगे तो आपको इसका फायदा मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, अप्लाइंग फॉर ओनली फॉर पेपर टू। अगर आप पेपर वन यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे तो जो आपको यहाँ पर दिख रही सीटें ये फिर आपको नहीं दिखने वाली। अगर दोस्तों हम बात करें, देखिए फिर से हम यूपी सिलेक्ट करते हैं उत्तर प्रदेश में, और उसके बाद आगरा की बात कर ले तो यहाँ पर भी हमें सीटें दिख रही हैं, ठीक है। अयोध्या की बात करें, लेकिन दोस्तों अयोध्या में हमारी सीटें नहीं बच रही हैं। बलिया की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों सीटें बची हैं। बरेली की बात करें तो यहाँ पर बहुत सीटें हैं। अब देखिए दोस्तों ऐसा होता क्यों है? अब देखिए कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो सिर्फ पेपर वन के लिए आवेदन करते हैं, उनको पेपर टू से कोई लेना देना नहीं है, जो सिर्फ पेपर वन, उन्होंने सोचा होगा हम 200 रुपये एक्स्ट्रा क्यों खर्चा करें, ठीक है। तो उस वजह से यहाँ पर इतनी सीटें बच रही हैं। अगर दोस्तों बिजनौर की बात करें तो यहाँ पर भी सीटें खाली हैं। गाजियाबाद की बात करें तो यहाँ तो बहुत सीटें खाली हैं, ठीक है। गाजीपुर की बात करें तो यहाँ पर भी सीटें खाली। मतलब इस तरह दोस्तों करके आपको अपने जिले में पेपर देने का मौका मिल जाएगा। गोरखपुर में काफी ज्यादा सीटें खाली हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं अगर उन्नाव की भी बात करें तो यहाँ पर भी सीटें वैकेंट है। मतलब कुछ बच्चे बिल्कुल क्लियर थे कि उनको सिर्फ पेपर वन ही देना है, पेपर टू से उनका कोई लेना देना नहीं है, इस वजह से यहाँ पर सीटें खाली हैं। अगर दोस्तों हम क्वालिफिकेशन में थोड़ा सा बदलाव कर देते हैं, जी हाँ अभी हम आपको करके लाइव दिखा देते हैं, अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा बदलाव कर देंगे तो क्या होगा? क्या दोस्तों फिर से हमें सीटें खाली दिखेंगे? मतलब क्वालिफिकेशन तो नहीं, अप्लाई फॉर्म। अब दोस्तों यहाँ पर हम बहुत पेपर कर देते हैं कि हमें दोनों पेपर मान लीजिए देना है, तो लैंग्वेज वन में दोस्तों पहले हिंदी लेते हैं, लैंग्वेज टू में आप क्या लेंगे, इंग्लिश या संस्कृत यहाँ पर लेना है। अगर डीएलएड के छात्र है तो यहाँ पर वन वन, अगर बीएड के छात्र है तो पहले में 5-2 ऐसे करके करना है। डिप्लोमा इन एजुकेशन हो गया हमारा ये 26571N, सेव एंड नेक्स्ट पर हम क्लिक कर देंगे। एक सेकंड दोस्तों, यहाँ पर पेपर टू में सब्जेक्ट हमने नहीं डाला था, सोशल साइंस मान लेते डाल देते हैं, ठीक है। इसको 6K5F42 यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों हम लोग देखेंगे कितनी सीटें अब उसके बाद बचती हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हम क्वालिफिकेशन डिटेल्स में नहीं बदलेंगे, सीधे हम एग्जामिनेशन डिटेल्स में आते हैं। अब दोस्तों हम जैसे आते हैं उत्तर प्रदेश सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम इलाहाबाद या प्रयागराज, अब देखिए वैकेंट सीट 0 हो जाती है। अगर हम सिर्फ पेपर टू के लिए आवेदन करते तो हमें अपने ही जिले में आवेदन करने का एक मौका मिल सकता है, लेकिन अगर आप दोनों पेपर या सिर्फ पेपर वन देंगे तब फिर आपको मौका नहीं मिलेगा, मतलब सीटें भर गई। अब एक ही यहाँ पर विकल्प बचता है कि सीटें या तो बढ़ाई जाए तो ही आपको मौका मिल पाएगा, नहीं तो और कोई चांस अब नजर आता हुआ दिख नहीं रहा है। अब देखते हैं आने वाले टाइम में सरकार क्या करती है, सीबीएसई इस पर क्या फैसला लेती है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में लिंक दिया गया है। अब आपके मन में एक सवाल होगा कि हम ऑनलाइन करेक्शन कैसे करें? तो दोस्तों अधिक जानकारी के लिए dlrizult.com वेबसाइट पर आप लोग नजर बनाए रखिए, ठीक है। वेबसाइट भी हम आपके सामने रख देते हैं। जी हाँ दोस्तों, होगा क्या ना, ये देखिए www.dlrizult.com। जी हाँ दोस्तों, सीटेट जुलाई ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 2023, इस पर हम क्लिक हियर पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर दोस्तों हमें फॉर्म कैसे फिल करना है यहाँ पर बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बताया गया है, ऑनलाइन करेक्शन कैसे करना है यहाँ पर दोस्तों कर पाएंगे, ठीक है। तो ये दोस्तों तरीका रहने वाला फॉर्म फिल करने का, क्या प्रोसेस वो भी बता देते हैं। सबसे पहले दोस्तों जो हमारा वेबसाइट यही है, तो
तो यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करेंगे, ठीक है, फर्स्ट स्टेप। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर अप्लाई फॉर सीटेट पर क्लिक करना है, न्यू रजिस्ट्रेशन पर हमें क्लिक कर लेना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए, ये देखिए यहाँ पर टिक लगा के फिर क्लिक हियर टू प्रोसीड करना है। यहाँ पर दोस्तों आप लोग अपना नाम, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, मेल या फीमेल, मतलब आइडेंटिटी टाइप, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड जो भी है यहाँ पर डाल के उसका नंबर डालेंगे। कॉन्टैक्ट डिटेल में आपको दोस्तों अपने घर का एड्रेस यहाँ पर देना है, कंट्री सिलेक्ट कर लेनी है, स्टेट और आपका जिला क्या, पिन कोड क्या, आपकी ईमेल आईडी, जिस पर आपको ईमेल आता हो वो ईमेल आईडी डालना, क्योंकि यहाँ पर एक ओटीपी भी जाएगा। मोबाइल नंबर दोस्तों डालेंगे, उसके बाद ये सब हो गया। उसके बाद सेम है प्रेजेंट एड्रेस, अगर आपका दोनों एड्रेस परमानेंट और जहाँ पर इस समय दोनों सेम है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। चूज पासवर्ड में दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पर आप लोग अपना पासवर्ड बनाए तो एक अक्षर कैपिटल रख सकते हैं, जैसे dlrizult.@1, ठीक है। सिक्योरिटी क्वेश्चन कुछ भी डालकर आंसर करना है, ऐसे हो गए। उसके बाद दोस्तों आगे का प्रोसेस हमारा, पर्सनल डिटेल्स यहाँ पर फिल करेंगे, फिर वही अप्लाई फॉर पेपर 1 या 2 जो हमने अभी आपको बताया था, फिर दोस्तों क्वालिफिकेशन डिटेल आती है, फिर वही अपलोड फोटो ग्राफ एंड सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड करेंगे, ठीक है, फिर एग्जाम विशन सिटी अभी जो हमने देख रहे थे, उसके बाद फाइनल सबमिट फॉर्म कंप्लीट, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट है सभी छात्रों के लिए, यहाँ पर लिखा भी है, तो ये एक आसान सा प्रोसेस रहेगा। चलिए फॉर्म भर के देखिए, अगर आपकी सीटेट जेपीजी पिक रिसाइज, अगर दोस्तों आपकी फोटो में कुछ दिक्कत लग रही तो यहाँ पर आप क्लिक करके यहाँ पर आप लोग अपनी फोटो सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लेते कोई फोटो में सिलेक्ट करने, मान लेते ये फोटो है, ठीक है, ये हो गई। जैसे हम इस फोटो सिलेक्ट कर ली तो इसके बाद यहाँ पर रिसाइज इमेज पर हम क्लिक कर देंगे, डाउनलोड इमेज, ये डाउनलोड होगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम डाउनलोड करके देख सकते हैं, ठीक है। तो DLED का कुछ था हमारा, तो ऐसे फोटो को भी आप रिसाइज कर सकते हैं, मान लेते फोटो में कोई दिक्कत है। यहाँ पर दोस्तों dlrizult.com में देख सकते हैं सीटेट जेपीजी पिक रिसाइज, कितना आसान तरीका है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। 26 मई लास्ट डेट है, आज 6 तारीख हो गई है, 20 दिन और बच रहे हैं, उसके बाद हम लोग ऑनलाइन करेक्शन करेंगे, पेपर हमारा जुलाई अगस्त में जाएगा, पेपर की तैयारी करते रहिए। ऑल द बेस्ट पेपर के लिए।